नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। मन पसंद ढूंढने में हो गई भारी भूल, शादी करके पछताए, ठगे गए भरपूर। किसका गुनाह, कौन है जज, भुगते उसी की भूल, कुदरत का न्याय समझ लो, भूल होगी निर्मूल। फ्रेंड्स, आज की जनरेशन के सामने काफी ज्यादा फ्रीडम है अपने जीवन साथी को चूज करने के लिए, फिर भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लाइफ में आते ही रहते हैं। आखिर क्यों आजकल डिवोर्स रेट सोसाइटी में बढ़ रहा है? आखिर क्यों नई जनरेशन को लगता है कि आखिर हमने शादी क्यों की? कैसे हम इन रिश्तों में आई कड़वाहट को कम करें? कैसे हमारे बीच पहले जैसा प्यार बना रहे? चलो जानते हैं हमारे चहेते आत्मज्ञानी से। निरुमा, सादर प्रणाम। मेरा ये भैया ने बोला ना, ऐसा ही प्रॉब्लम है। हम लोग दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद इतना होता है ना कि वो मैं हाँ बोलती हूँ तो वो ना बोलते हैं। कोई भी बात हो ऐसा मेरा मानते ही नहीं है, और उसके बाद इसके लिए ही झगड़ा होता है। अभी मैं क्या करूँ, आपका प्रोग्राम अभी देखती हूँ मैं तो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन वो भी देखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, दोनों का ईगो इतना है ना। और अभी कुछ भी मेरे को काम करना करवाना होता है ना, तो मैं तीसरे का वैसा मैं मम्मी को बोलती हूँ, सास को बोलती हूँ कि वो तो उनका सब मानेंगे, वही बात मैं करेगी तो मेरे को ना बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करने का है। ऐसा क्यों होता है निर्मा? वो ऐसा है जिसके प्रति बहुत मोह है, राग है, उसके प्रति ही टेढ़े चलते हैं। मोह होएगा तो ऐसा टेढ़े कैसे चढ़ेगा, वो तो उसका मानेंगे ना। नहीं, बिल्कुल उलट रहता है, उल्टा ही रहता है। सारी दादागिरी किसी और की स्त्री के पास करेगा या अपनी पाक के पास करेगा? हाँ, वही बात है, दूसरी के साथ तो इतना अच्छी तरह से पेश आते हैं ना, उसकी जलन हो जाती है आपको। जलन तो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जैसे इतना कंटाल गई है ना मैं इनसे इनसे। तो क्या करोगी? हाँ, मैंने तो कितनी बार बोला है मेरे को डिवोर्स चाहिए, ऐसा ही बोला है। फिर अभी कुछ समझ में आता है, आपका प्रोग्राम आत्मा गुजराती पे देखती है ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि मेरा भी ईगो इतना ही है, लेकिन अभी कम भी करने का है, लेकिन क्या करेंगे, ऐसा अच्छी तरह से जीवन बिताने का है। हाँ, तो जितना ईगो कम करो कि आपको काम से काम है ना, अगर सीधा आपका नहीं सुनते हैं तो फिर आप अपनी सास के पास कहकर करवाइए। लेकिन निरुवा, आपके प्रोग्राम में वो भी देखा कि हम लोग ऐसा करेंगे तो कपट किया जाता है, ऐसा बोलते हैं, और मेरे को कपट के सिवा कुछ काम ही नहीं हो सकता है उनके साथ लेना होता है। निरुमा, ऐसी बात नहीं है, हर बात पे वो अपनी अपनी ही बात वो आगे बढ़ा रहती है। जब भी मैं कुछ भी कोई बात करूं तो उसको तोड़ के वो अपने हिसाब से वो तोड़ मोड़ के वो अपनी सच बनाती है। निरुमा, ऐसे होते रहता है, जब भी मेरे को लगता है नहीं तो मेरा कोई इधर कोई तत्व ही नहीं है, मैं इधर मैं इनके लिए इतना कुछ करते हुए भी जो मेरा ये लोग सुनेंगे नहीं तो इसका करके क्या फायदा, ये जिंदगी में इनके साथ में रह के फायदा भी क्या, जो हर मोड़ पे ऐसी जो तोड़फोड़ करती रहेगी तो हम कैसे जी पाएंगे। अरे निरुमा, मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है, सारा पूरे परिवार के लिए उनको सब टाइम है। लेकिन निरुमा, उसको तो समझना चाहिए ना कि इतना जो मैं दौड़ भाड़ कर रहा हूँ किसके लिए, मेरे लिए मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने 10-20 रुपए मेरा पूरा दिन में निपटा सकता हूँ। डायलॉग है उनका कि मैं तेरे लिए करता हूँ, मेरे को मालूम नहीं पड़ता वो मेरे लिए क्या करते है। वही निरुमा, तो इतना जो दौड़ कर थक रहा हूँ तो मैं किसके लिए, मेरे लिए कर रहा हूँ क्या? मैं इतना पैसा जो लाता हूँ कुछ भी करता हूँ या इतना दौड़ कर रहा हूँ तो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ? मेरा तो जिंदगी मैं एक दिन में समझो 10 रुपए वड़ा पाव खा के भी मैं निकाल सकता हूँ, तो इतना दौड़ भाग मैं किसके लिए कर रहा हूँ? लेकिन निरुमा, पैसे का सवाल नहीं है, अपना को कुछ तो होना चाहिए ना स्टेटस। घर में सबके सामने वो तोड़ देते हैं मेरे को, कुछ भी मैं बात करती हूँ ना तो बस नहीं तू ऐसा नहीं तू ऐसे, और बच्चों के सामने भी ऐसे ही करते हैं। निरुमा, ऐसा आप भले बच्चों को भी पूछ के देखिए, ऐसे नहीं होता है, कभी ऐसे भी होता है जब मैं बोलने जाता हूँ तो ऐसे जैसे वो गिली डंडे के माफी उड़ा के फेंक देती है, मतलब ये क्या बात हुआ। निरुमा, अभी हमको इसमें से निकलने का है, हम लोग ऐसे जैन है, सब सामायिक प्रतिक्रमण इतना करते हैं सब सारा दिन, वो भी ऐसा अध्यात्म में ही है, ऐसा नहीं है कुछ लफड़ा के, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा सेवा भाव ही उनका नेचर है, सब है, लेकिन शांति नहीं है ऐसा। लेकिन कुछ रिजल्ट तो मैं निरुमा आना चाहिए ना, ऐसा सब करते हुए इतना समझते हुए जो वापस वही 0-0 भाई खड़े रहते हैं, तो इतना आगे वो जो बात सोच रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? आपकी जब आपका सत्संग वो देख रही है जब भी तो ऐसे लगती है वो बहुत कितनी बड़ी महात्मा बन गई है, वो जैसे पूरी सुधर गई है, लेकिन जब वो रियल में सामने आता है
जब भी तो मेरे को लगता है नहीं ये सुनने बंद कर दे तू टीवी, और ऐसा सुन के ऐसा व्यवहार करने में मतलब क्या होता है निरुमा, जो ऐसा इसमें जो रिजल्ट ही नहीं आता है तो ऐसा पुरुषार्थ करने का मतलब ही नहीं है ना निरुमा। तो कुछ ऐसी बात उसको समझाइए या मेरे को समझाइए कि इसका ये रोज के रोज का जो चिपचिपाहट है उसमें से हम कुछ निकल सके। अभी आपका बोलना पूरा हो जाए तब हम शुरू करें बोलना। जी निरुमा सुनाइए, अभी आपका ही सुनना है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि पति पत्नी साइकिल के दो पहियों जैसे हैं, एक अकेला इस शादी रूपी साइकिल को नहीं चला सकेगा, इसीलिए तालमेल बिठाना ही होगा। एक आइडियल शादी क्या है, कैसे एडजस्टमेंट करें, हार्मनी पीस इस रिश्ते में कैसे बने, चलिए सुनते हैं फिर से हमारी प्यारी पूज्य नीरुमा की जुबानी, ताकि ये साइकिल बिल्कुल स्मूथली चलती रहे। ऐसा है बहन, आपने समझना चाहिए कि ये पति जो लोग होते हैं ना, हर किसी पत्नी के यही प्रॉब्लम है कि मेरा पति औरों के साथ बहुत अच्छे है, मेरे साथ ही ऐसे है। हर किसी को पूछो, देखो हर स्त्रियों को पूछो, यही जवाब होगा कि नहीं मेरे साथ तो ऐसे ही रहते हैं। आप दो लोग हाथ ऊंचा करो, किस किस के पति का यही पति के लिए ये प्रश्न है, कौन से जरा जो ऊपर हाथ उठाओ तो हमको दिखाई दे अच्छी तरह से। लो हर बहुत मेजोरिटी सबका यही है। अरे ये लड़ी आपका भी, आप विधवा हो लेकिन पहले भी कुछ होगा ना आपका, हाथ तो ऊंचा करो। निरुमा सबका होएगा लेकिन हमारे जितना नहीं होएगा, वो हर किसी को ऐसा ही लगता है। डाइवोर्स तक जब बात कर देती है जब, और बोलना क्या रहेगा जब इतना सब तुम समझ रही हो तो, और डाइवोर्स की बात जो कर रही हो जब, तो फिर आदमी किसका भी मन टूट ही जाएगा ना। डाइवोर्स का बात बराबर है, मेरे को भी अंदर से इच्छा नहीं है क्या, मेरा भी इतना ईगो है। नहीं मेरा भी इतना ईगो है, मेरे को बहुत हर्ट होता है निर्वा, क्या मालूम ये जो तो बोलते हैं ना। उसका मतलब ये हुआ कि डाइवोर्स की आप धमकी देती है। धमकी है श्योर, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया ना। मैं निरुमा ये तो कुछ भी अपनी बात सही कर रहे लेकिन कुछ भी ब्लैकमेलिंग करेंगे, ये तो फिर वो गुंडा तत्व और अपने लाइफ पर्सनल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेम से पेश आओ, थोड़ा बड़ा बन रखो, नोबिलिटी रखो, कभी किसी की बात मान ले तो भी खुश ही रहो, आपकी माने तो भी खुश रहो और आपकी न माने तो भी खुश रहो। और ये आपकी बात नहीं मानने जैसी है ऐसा इनके लिए नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये ईगो प्रॉब्लम है, एक दूसरे का ईगो टकरा रहा है। उस ईगो को अहंकार को देखो, आप अपना अहंकार को बाजू पर रख दो, एटलीस्ट अपने पति के सामने तो ये अहंकार को बाजू पर रख दो। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहती हो, अभी ये उम्र में आधी उम्र तो चली गई, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, अभी उनके सामने इस तरह से जो डायलॉग अभी बाप बता रहे हैं, हमारे सामने इंसान भर सभा में ये ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं, तो बच्चों के सामने घर में रोज रोज कितने डायलॉग चलते होंगे आपके? नहीं निरुमा, आपके प्रोग्राम के बाद में तो मैं अभी बच्चों के सामने तो नहीं करती है, और अभी ज्ञान लेने का है, ऐसा सब बोलते हैं कि ज्ञान लेने के बाद थोड़ा अच्छा बहुत हो जाता है। बहुत अच्छा है, आप ईगो कम करने के लिए पहले तो आप सोचो, आप अपने ईगो अहंकार को देखो कि इतना सारा अहंकार क्या है। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadapakwan.org। निरुमा जैसे ये दिवाली में कैसे फटाके फूटते रहते हैं, वैसे फटाके ही फूटते रहते जब भी लगता है कि नहीं अभी मेरे समझो मैं किसके लिए भी कुछ भी काम किया, कोई भी और आया किसके लिए कुछ अच्छा काम किया और मेरे को लगा नहीं इसको मदद करनी है, तो उससे वो सहन नहीं होता है कि नहीं ये मेरे से आगे बढ़ जाएंगे, मेरा 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 मान डाउन हो जाएगा, मतलब उधर समाज में भी वो अपना ही अच्छा दिखाना चाहती है। मतलब निरुमा ये ठीक नहीं हो रहा है ना। होएगा, उनको जो लगता है वो बराबर ही होएगा, लेकिन ऐसा क्या। और निरुमा एक फोन का इतना है ना उनको कि फोन आएगा तो, और वही हम लोग दोनों झगड़ते हैं और तब भी फोन आता है तो उसके सामने साफ साफ इतना अच्छा अच्छा बात करते हैं। मैं बोली इनको क्या है, अभी इतना गुस्सा था और अभी इतना डाउन हो गया, उनके साथ इतना अच्छी तरह से बात करते हैं तो मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। हाँ तो यही सोचो ना कि आप औरों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं और आपके ही साथ इस तरह से बात करते हैं गुस्से से, तो कुछ आप में भी तो कुछ खामी होगी। वो अभी थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है। तो आप एक काम करो कि तैल ये इसको इंट्रोस्पेक्शन करो कि मेरे में क्या कमी है, मेरी कहाँ कहाँ गलती होती है। उस वो जो भी कुछ करते हैं किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको आप
खुशी खुशी स्वीकारो, उससे खुश हो जाओ, हो ये तो इतना अच्छा उनका गुण है। किसी औरों के लिए कुछ करना, अच्छा काम करना, वो तो नोबिलिटी है क्या? तो आप ही उसको देखो और उसे उस जेलस मत हो, क्योंकि जेलस ही डायनेमिक वुमन कहते हैं ना, तो ये यही आपके में अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है। और इतना ही नहीं, चीज चीज बार बार कहने से उस कोई फर्क नहीं गिरता है, तो फिर वो चीज़ को कहने का क्या मतलब, बंद करते हो, फिर वो बात को भूल ही जाओ, ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं है, स्वीकार लो कि भी ये बात में कोई, यही जो मैं चाहती हूँ ऐसा वो नहीं करने वाला है, तो फिर छोड़ दो, बात ही दिमाग में से निकाल ही दो। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं मेरा देखते? हर स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, औरों के लिए बहुत करते हैं, ये गलत बात है, ये बहुत सरेआर गलत बात है। देखिए आप देखिए, पति कर जो भी कुछ करता है तो क्या क्या घर के लिए नहीं कुछ करता है? करता है। क्या फ्लैट आपको ला दिया कि किसी और को ला के दिया है? आप रहती इस फ्लैट में किसी और को रखता है? आ, वो भी सुना है। निरुमा, इसको इनको पूछिए, मैंने इसके लिए इसके नाम पे क्या क्या नहीं किया है, मैंने मेरे स्वार्थ के लिए किया तो मेरे नाम पे सब कुछ नहीं करके दिया, तो इसको क्या छूट नहीं दिया है? नहीं, नाम का कुछ हिसाब लिया है, इसे कुछ दिया है, कुछ सब दिया। उसके नाम पर कर दिया है तो डिवोर्स लेगी तो सब चला जाएगा। तो वही अभी मेरे को डाउट हो ही लग रहा है, ये तो क्या कुछ मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? सुना उनको, कह दो कि आप भूल जाओ कि मैं डिवोर्स लूंगी। मैं माफी मांगती हूँ, मैंने ऐसा जो बोला वो मेरा ईगो, अभी मेरे को आपके प्रोग्राम के बाद मेरे को बहुत ही ऐसा एहसास होता है कि मेरा ईगो कितना है, मेरे से सबको कितना हर्ट होता है, वो अभी एहसास हुआ है। हम लोग ने इतना सब किया ये क्रमिक का, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इतना सब 500 लोग में सब हम लोग प्रतिक्रमण बुलाते थे और इतना घर वरस कर लेते थे कि मेरे जैसा कोई प्रतिक्रमण नहीं बुलाता है, ऐसा अभी आपके प्रोग्राम से मेरे को इतना रियलाइज होता है कि नहीं, यही छूटने का पारा है। हाँ, तो अभी समझदारी से काम लो, पहले घर में ही स्वर्ग बनाओ। क्या बड़े बड़े भगवान की भक्ति के जाप मंत्र ये वो सब कुछ करने से कुछ हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। घर में शांति प्रेम और स्वर्ग जैसा वातावरण होगा तो ही आपका उद्धार होगा, फिर आगे भगवान को यही चाहिए। भगवान जहाँ भी रहा, जिधर भी रहा, लेकिन उसको यही चाहिए कि शांति हो, सुखमय हो। ये रोज सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार किटपिट होते रहती है, और फिर आप सोचते हैं कि अरे भगवान खुश हो जाए, भगवान हमारे पे कुछ कृपा बरसा दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। समझ में आया ना? बराबर है। तो पहले हर जिंदा इंसान के अंदर भगवान है, इसको पहले देखो। समझ में आया? साथियों, पति पत्नी का रिश्ता तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इस युग में मतभेद, कलेश और झगड़ों की संख्या बढ़ गई है। इसे समझने और सुलझाने का आसान तरीका लाए हैं हमारे आत्मज्ञानी इसी सुनहरे प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह, जिसे समझकर आप भी ले सकते हैं अपने दाम्पत्य जीवन में शुद्ध प्रेम की निर्मल समझ। वन फैमिली होकर जियो, करो नहीं तेरी मेरी, एक दूजे की भूले निभालो वही प्रेममय जीवन, घटे बढ़े नहीं कभी जो, वही सच्चा प्रेम दर्शन। जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीफ्स। सो चेंज बिलीफ, गेट रिलीफ। अधिक जानकारी और आपके फीडबैक्स के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org, और यहाँ पर आप सेमिनार के इंफॉर्मेशन के साथ साथ बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर। हमारा फोन नंबर 1-877-505-DADA एक्सटेंशन 23। आपका कलर आस्था टीवी एशिया पर हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए आप याद रखें दादाजी द्वारा दिए गए ये दो सेंटेंसेस, एडजस्ट एवरीवेयर एंड अवॉइड क्लैशेस। धन्यवाद। Oh,